बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास वन अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश ए चैप्टर नंबर इज सिक्स, यूनिट नंबर सिक्स एंड द टॉपिक इज द ड्रोन। सो वर्ड्स टू नो, एक्चुअली आई विल टेल यू दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड वासिफ एंड हिज फादर। His father has a workshop and he makes lots of useful things there. So he made a drone. In this story you will read he made a drone. What is drone? You know drone? Drone actually male makhi hoti hai, shahad ki makhi. Lekin drone here usne is shape ki makhi ki tarah, makhi bhi ud sakti hai na, uske do paar hote hain, taange hoti hain, isi tarah उसके फादर ने एक, आप उसे कह सकते हो, जेट प्लेन बनाया या उड़न तश्तरी, एक एयरक्राफ्ट बनाया। ठीक है, सो ये एयरक्राफ्ट जो उसने बनाया है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वाज क्लेवर, वर्ड्स टू नो क्लेवर, फर्स्ट वर्ड इज क्लेवर। क्लेवर इज क्विक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ऐसा शख्स, ही और शी, जो फौरन किसी चीज़ को समझ लेते हैं और उसे सीख लेते हैं, या आप उसको ज़हीन, फतीन, ज़की, लाइक कुछ भी कह सकते हो। वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या होता है? ए रूम और बिल्डिंग, एक कमरा या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ें बनाते हो, मेड और रिपेयर, रिपेयर भी करते हो, मरम्मत भी की जाती है और नई चीज़ें बनाई भी जाती हैं। वासिफ, नाउ आई विल स्टार्ट द लेसन। वासिफ डैड इज़ वेरी क्लेवर। वासिफ के वालिद साहब बहुत होशियार आदमी हैं। ही हैज़ अ वर्कशॉप, उनकी एक वर्कशॉप है। ही मेक्स लॉट ऑफ यूजफुल थिंग्स, वहाँ वो बहुत सी कार आमद, यूजफुल क्या है, कार आमद, काम, अच्छा काम करने वाली चीज़ें बनाते हैं। लुक वासिफ सेड डैड वन डे, एक दिन उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा, देखो वासिफ, ही शोड वासिफ अ स्मॉल मशीन। क्या उन्होंने दिखाया उसे बच्चे को, एक छोटी सी मशीन। इट हैड फोर लेग्स, उसकी चार टांगे थी। इट हैड फोर स्मॉल फैंस, चार छोटे छोटे पंखे थे। देयर वर ऑल जॉइंट, और ये सारे जो थे उन्होंने किस तरह ज्वाइन किए थे, पीसीज ऑफ वायर, वायर के साथ उन टुकड़ों को उन्होंने जोड़ दिया था और इसको ड्रोन की शक्ल में, एक जहाज की शक्ल में बना लिया था। वाओ, सेड वासिफ, कांट इट फ्लाई डैड। अब वो पूछ रहा है, बच्चा खुशी का इजहार कर रहा है कि वाओ, आप भी कोई चीज़ है अचानक से देखते हो, हैरानगी से या खुशी से या अफसोस में, एकदम से यू मेड अ साउंड। सो ही व्हाट ही डिड, ही सेड वाओ फादर, क्या ये उड़ भी सकता है? ओ यस सेड डैड। डैड ने क्या जवाब दिया कि हाँ ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई, इट कैन टेक फोटोज़, फोटोज़ भी ले सकता है, और इट कैन मेक वीडियो, वीडियो से भी इससे बन सकती है। इट इज़ कॉल्ड अ ड्रोन, और ये ड्रोन कहलाता है। ही शोड वासिफ अ टाइनी कैमरा ऑन द ड्रोन, उन्होंने इसमें छोटा सा, टाइनी क्या होता है, लिटल, छोटा सा स्मॉल कैमरा भी उसमें दिखाया। आई होप इट वर्क्स सेड डैड, अब डैड ने क्या कहा कि मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि ये काम करता है। यू कैरी द ड्रोन, आई विल ब्रिंग माई सेल फोन, वो कह रहे हैं कि तुम इसे लेके आओ, मैं अपना सेल फोन लेके आता हूँ। वाई डैड आस्क वासिफ, आसिफ ने पूछा, अब क्यों अब्बा जान, वी यूज़ द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन। अब वो सेल फोन को रिमोट कंट्रोल के तौर पे उसको यूज़ करेंगे, ड्रोन के साथ अटैच करके, प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क। अब उन्होंने उसको सेट कर दिया और कहा कि नंबर दबाओ और देखो कि ये कैसे काम करता है। डैड ने फिर उसे, ही शोड वासिफ अ पीस ऑफ पेपर, एक टुकड़ा दिखाया जिसपे उन्होंने उसको सेट किया था। क्या लिखा था, वन को दबाएंगे तो अप चला जाएगा ड्रोन, दो को डाउन, तीन को लेफ्ट, चार अगर हिंसा दबाएंगे राइट पे, और पांचवा हिंसा तो फॉरवर्ड आगे की तरफ, और छठा पीछे की तरफ बैकवर्ड चला जाएगा। डैड एंड वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द रोड, अब उन्होंने उसको सड़क पे रख दिया। ठीक है, अब वो क्या करने लगे हैं, वो देखने लगे हैं उसका फिनोमिना, उसका वर्क के वो वाकई काम कर रहा है, क्या वो उड़ सकता है। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स, अब उन्होंने दोबारा से उन नंबरों को प्रेस किया है, दबाया है, ड्रोन बस्ट, इट वेंट अप इनटू द एयर, और ड्रोन जो है उसने एकदम शू की आवाज़ निकाली और हवा में चला गया, यानी वो उड़ने लगा। लुक लुक सेड डैड, अब वाले साहब क्या कह रहे हैं, देखो देखो
ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द प्लेन. अब प्लेन ऊपर उड़ रहा है और वो वीडियो उसको कैमरे में दिखा रहे हैं. ठीक है, वासिफ कुड सी द स्ट्रीट्स. वासिफ उधर से स्ट्रीट्स देख सकता है, गली सड़क को, ट्रीज को, एंड ऑल द रूफ्स, और सारी छतें. क्योंकि जहाज़ जब ऊपर उड़ता है आप नीचे से देखोगे तो आपको नज़र आएगा, नीचे से जो लोग कैमराज लगा के देखते हैं, ठीक है, या दूरबीन में, उसमें उनको सारी चीज़ें नज़र आती हैं. वासिफ क्लैप्ड एंड शाउटेड दैट्स माय. अब वासिफ ने क्या किया, उसने खुशी से तालियां बजाएं, क्लैपिंग की, और शाउटेड, और चीखा, खुशी से वो चीख रहा है. डैड जो है वो उसकी खुशी पे क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. स्टॉप शाउटेड वासिफ. फिर उन्होंने कहा कि अब बस कर दो, ठीक है, गो बैक टू दैट ट्री, उस दरख्त पे जाओ, उस उधर कैमरे का रुख करो. आई सॉ समथिंग देयर, क्योंकि वो कह रहे हैं वहाँ मुझे कुछ चीज़ नज़र आ रही है. डैड प्रेस सिक्स. अब उन्होंने छः का इंसान दबाया एंड द ड्रोन केम बैक, और ड्रोन जो है वो वापस आ गया. आई कैन सी शिबा ऑन अ ब्रांच, सेड वासिफ. अब वासिफ कह रहा है कि मैं शाख पर, दरख्त की शाख पर, ब्रांच क्या है, शाख, टहनी, टहनी पे उन्होंने शिबा को देखा. शी कांट कम डाउन, वो नीचे नहीं उतर रही है. ठीक है, अब ये शिबा कौन है, ये कोई बच्ची नहीं है बच्चों, ये बिल्ली का नाम है, उनकी पेट जो बिल्ली है. डैड लैंडेड द ड्रोन, उन्होंने उसे नीचे उतार लिया. ही एंड वासिफ गॉट अ टॉयलेट ब्लैडर, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने देख ली थी वो उन्हें नज़र आ गई, बिल्ली जो है वहाँ पे फंसी हुई है दरख्त पे, और वो नीचे उतर नहीं पाई. तो फिर उन्होंने एक जल्दी से एक सीढ़ी लेके आए, टॉल लंबी लैडर सीढ़ी, ठीक है, जो आप फोल्डिंग सीढ़ियाँ भी हैं, आप कैरी कर सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी, ठीक है, या किसी मेटल की सीढ़ी जो है वो भी आप कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो. डैड क्लाइंब्ड अप, डैड इस पे चढ़ गए एंड ब्रॉट शिबा डाउन, और शिबा को पकड़ के नीचे ले आए. शिबा वाज वेरी हैप्पी, जाहिर है वो बहुत खुश हुई बिल्ली, ठीक है. ही म्यूड एंड म्यू, और खुशी से उसने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली. दैट्स अ ग्रेट मशीन, सेड वासिफ. अब वासिफ अपने वाले साहब से तारीफ कर रहे हैं कि वाले साहब ये तो बहुत ही अच्छी सी मशीन है, ग्रेट मशीन है, बहुत बड़ी और अजीम चीज़ आपने बनाई है और ईजाद की है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रोन. आज आपकी स्टोरी जो है वो ये थी. और बच्चों, नाउ यू विल रीड इट, रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस और थ्री टाइम, और इसके जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो आप याद करें, इनके स्पेलिंग याद करें, एंड देन यू विल डू ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप. वी हैव गिवन यू सॉल्व वर्कशीट्स, गो ऑन दैट वर्कशीट्स एंड लर्न दिस वर्कशीट्स बाय हार्ट. अल्लाह हाफिज़.